इस वीडियो में गाइस बताऊंगा, अगर आप न्यूयॉर्क बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो चलाते हैं एंड जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाता है। देखिए, इसमें लिखा रहा है सर्वर डाउन, वे आर सीम टू बी हैविंग सम इशू राइट नाउ, बट आवर टीम विल इज़ ऑन द केस, वे विल नोटिफाई वेट, वे आर बैक ऑनलाइन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, सॉल्व होगी, किस तरह से होगी, सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम आती है ये बेसिकली हमारे एंड से नहीं, मतलब हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारे मतलब हमारी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। देखिए, बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड सर्वर डाउन होना एक बैंक का आम इशू है या फिर मेन जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल प्रॉब्लम है। जब भी आप कभी बैंक वगैरह में भी जाया करेंगे तो वहाँ पर भी आपने सुना होगा कि बैंक का सर्वर डाउन है। तो बेसिकली होता यही है कि यहाँ पर जो है ये भी एक बैंकिंग का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर कुछ दिनों में या फिर कभी कभार जो है बैंक का सर्वर डाउन चलता रहता है। सर्वर डाउन होने के कई सारे रीज़न होते हैं, जो बैंक सर्वर डाउन होते हैं तो उसके अलावा एप्लीकेशन भी काम नहीं करता। तो सोल्यूशन क्या है, देखिए सोल्यूशन आसान है, आपको 2-3 घंटे वेट करना है। अगर आप न्यूयॉर्क बैंक के थ्रू मतलब एप्लीकेशन के थ्रू कोई काम कर रहे थे तो आपको वेट करना है, 2-3 घंटे में आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। जैसे ही सर्वर ऑन हो जाएगा वैसे ही आपका जो है मतलब फिर से आप जो है बैंक का इस्तेमाल वगैरह कर पाओगे, जैसे ही आपका जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 3-4 घंटे रुक जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या फिर कभी कभार 3 घंटे के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा प्ले स्टोर में आप आकर यहाँ पर एक बार जो है कोई अपडेट है क्या न्यूयॉर्क मोबाइल बैंकिंग का मतलब बैंक का, तो यहाँ पर एक अगर अपडेट आपको दिखाता है तो इसे आप ज़रूर अपडेट करवा लीजिएगा। यानी अगर आपके एंड से भी कोई प्रॉब्लम आती है आने वाले टाइम में तो अपडेट एप्लीकेशन अपडेट हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कर लीजिएगा एंड इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।